मेरे परिवारजनों, पूरे देश में आजकल उत्सव का माहौल है। आज मैं यहां छत्तीसगढ़ में भी यही भाव, यही उमंग, यही उत्साह, यही उत्सव देख रहा हूं। उत्सवों के इस मौसम में हर खुशी इस बार डबल हो गई है। इस बार भारत अपनी उपलब्धियों का उत्सव भी मना रहा है। कुछ ही दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया के लोग कह रहे हैं भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। साथियों, इन सफलताओं के बीच भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 हर देशवासी की तपस्या का परिणाम है। 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बहुत बड़ी विशेषता रही है, एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। अपनी जड़ों से जुड़े रहने की वजह से आज भारत इतना बड़ा काम कर पाया है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। जिन गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपनों को हमने संकल्पों में बदला है। और मुझे खुशी है कि G20 को सफल मनाने में छत्तीसगढ़ की जनता की भी सीधी भागीदारी रही है। आपने नवा रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई, आपने इतने अच्छे से मेहमानों का स्वागत किया, उनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के खान पान, यहां की विशेषताओं, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताया। इससे पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई है, यहां का गौरव बढ़ा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली हमलों और हिंसा से ही हुआ करती थी। भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहां के विकास कार्यों की वजह से हो रही है।